सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव है। अब देखिए, सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी का यह पहला दिल्ली दौरा है। कैबिनेट विस्तार समेत कई अहम विषयों पर चर्चा करेंगे, तो ये बड़ी बात हो जाती है। इससे पहले जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसके बाद सभी की निगाह इसी पर टिकी है कि अगला कैबिनेट विस्तार जो है वो कब होगा। तो कई अहम विषयों पर आज चर्चा की जाएगी, नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चा हो सकती है। और ऐसे में सभी के जहन में यही सवाल है कि अब प्रदेश का जो अध्यक्ष है वो कौन होगा, यानी कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी आज चर्चा हो सकती है। और जो नाम का ऐलान है वो जल्द ही हो सकता है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान जल्द ही हो सकता है। ये जो जानकारी सामने आई है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हालांकि हम बात भी कर रहे हैं सुबह से ही, और अभी फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है अपराजिता, किस वक्त पहुंचेंगे और क्या कुछ आज विषय रह सकते हैं बातचीत करने के दौरान? जी बिल्कुल साधना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आते ही सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अभी भी हम पीएम आवास के बाहर खड़े हैं और वो अंदर मुलाकात चल रही है। करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इस मुलाकात के, कुछ ही देर में वो बाहर निकलने वाले हैं। उसके बाद भी कई और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, शीर्ष नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं भाजपा के, क्योंकि देखिए अगर हम मुलाकात की बात करें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो कर रहे हैं, तो बतौर मुख्यमंत्री पहली मुलाकात है इनकी। बतौर मुख्यमंत्री ये पहली बार उन्होंने राजधानी दिल्ली का दौरा है उनका, पहली बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बतौर मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। साथ ही अगर मुलाकात की बात करें तो बिल्कुल हर्षोल्लास का माहौल है उनके लिए, उन्होंने आभार प्रकट किया होगा, क्योंकि देखिए कल भी उन्होंने संबोधन में साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी नेतृत्व जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया था और कहा था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी उन्होंने तारीफ की थी, उनकी तमाम तारीफ की थी और साथ ही धन्यवाद पेश किया था। तो बिल्कुल वो पीएम नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं, आभार प्रकट किया गया होगा। और साथ ही आगे की अगर हम स्केड्यूल के पूरी स्केड्यूल की बारे में बात करें तो आने वाले तो वो पूरे दिन भर में आज जेपी नड्डा से भी साथ ही मुलाकात कर सकते हैं, केंद्र मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। और अगर हम चर्चा की बात करें तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो विस्तार हुआ है प्रदेश में, जो विस्तार होना है, कैबिनेट का विस्तार होना है, उन चीजों को लेकर चर्चा की जा सकती है। साथ ही मंत्रियों के विभागों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह से अगर वो मुलाकात करते हैं इसके बाद, या फिर जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं या किसी भी केंद्र मंत्री से मुलाकात करते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर साधना देखिए चर्चा की जाएगी। और साथ ही बिल्कुल मैं आपको सुन रही थी कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि संजय भाटिया अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले नायब सिंह सैनी अध्यक्ष का जो कार्यभार संभाल रहे थे, अब चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो इस जो पोस्ट है उसे किसी और को सौंपा जाएगा। तो संजय भाटिया का नाम सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, 6 नामों पर उम्मीदवार, 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है, 4 और उम्मीदवारों पर चर्चा करनी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। अब इन 4 नामों को लेकर के चर्चा करनी है, तो जल्द से जल्द अध्यक्ष को अपॉइंट किया जाएगा, उन चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी, लोकसभा के सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ रहने वाला है, तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि देखिए हरियाणा में बीते दिनों जो भी उलटफेर हुए हैं, जो भी नेतृत्व बदला गया है, सभी चीजें हुई है, उन तमाम चीजों को लेकर आज चर्चा की जाएगी साधना। बिल्कुल अपराजिता, आपने सही कहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और अब ऐसे में पीएम मोदी से मुलाकात करना, सैनी सरकार की ये मुलाकात जो है वो करीब 25 मिनट से जारी है और जिस प्रकार से आपने जानकारी भी दी है अपराजिता, ऐसे में आज देखिए कई अहम विषयों पर चर्चा भी हो सकती है, कैबिनेट विस्तार समेत कई अहम ऐसे मुद्दे रह सकते हैं बात की, क्योंकि हर किसी की निगाहें जो है वो इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार जो अगला कैबिनेट विस्तार है वो कब होगा और जो विभाग मिलने वाले हैं, जो 5 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, कौन कौन से विभाग जो है उन्हें सौंपे जाते हैं, इस पर भी चर्चा होगी, क्या इसको लेकर अभी फिलहाल कोई अपडेट सामने आ रही है?
देखिए किन के नाम सामने आएंगे, किन्हें क्या विभाग दिए जाएंगे, किन तारीख को ये विस्तार होगा, ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि ये बिल्कुल पुख्ता कहा जा सकता है कि इन चीजों को लेकर चर्चा जरूर होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो अंदर मुलाकात कर रहे हैं तो इन चीजों को लेकर चर्चा की गई होगी। साथ ही अब आगे जिन जिन लोगों से वो मुलाकात करेंगे, अगर अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करते हैं तो उनसे भी इन चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह से अगर वो मुलाकात करते हैं तो उनसे भी इन चीजों को, तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए बहुत कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव को लेकर भी अगर हम बात करते हैं, और साथ ही देखिए अगर हरियाणा की आगामी विधानसभा भी आने वाली है तो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जो प्रदेश कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा करनी है, मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा करनी है, क्योंकि देखिए शपथ ग्रहण हो चुका है, 5 मंत्रियों का हो चुका है, तो उन्हें क्या विभाग देने हैं, उन सभी चीजों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। मगर तारीख स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्या विभाग दिए जाएंगे ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। मुलाकात करके जो बाहर आते हैं, देखिए बहुत ही क्लोज डोर मीटिंग है ये, जो मुलाकात है बहुत ही इंटीमेट मुलाकात है ये, तो क्या कुछ अंदर होता है ये स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि जब मुलाकात करके वो बाहर आएंगे तो देखा जाएगा कि क्या कुछ अपडेट रहा है, क्या कुछ रही है चीजें। साधना बिल्कुल अपराजिता, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जो भी अपडेट सामने आएगी आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे।